अस्सलाम वालेकुम, सोशल अपडेट्स के साथ मैं हूँ डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी और आज एक बार फिर आपके सामने मैं एक नए मौजू के साथ मौजूद हुई हूँ। आजकल हम अपनी बहुत सारी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जी ईद उल अज़हा की आमद है, लेकिन उसके साथ साथ कोविड के कुछ केसेस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ देखा जा रहा है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने अभी ही कुछ दिन पहले जब अपडेट देखी कि सैटरडे से राइज कुछ केसेस इस्लामाबाद के बेशतर हिस्सों में जो है वो वहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। 19 जून की अपडेट हमें मिली है और 24 घंटे के अरसे में टोटल टेस्ट जो है वो 11,600 से ज़ायद हो चुके हैं, जिसमें से 150 से ज़ायद पॉजिटिव केसेज हैं। और आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी के परसेंटेज जो है कुछ 1.30 से अब वो बढ़ती जा रही है। और साथ साथ अब तक बेशक डेथ कोई रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन पेशेंट्स जो है वो 55 से ज़ायद जो है वो क्रिटिकल केयर में अभी हैं। और हम अभी ये सोच रहे थे कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी SOPs अगर हमने नहीं फॉलो किए तो चीज़ें जो है वो और मज़ीद जो है वर्स्ट होती जाएंगी। अब ये है कि लोगों में ये देखा जा रहा है कि बहुत उन जगहों पे जो लोग बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो रही है, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे अब चेकिंग करना फिर से शुरू हो रही है और लोगों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अब जो है वो अपनी केयर जो है वो और ज़्यादा करें ताकि हम फिर से उस जगह पे ना चले जाएं जिससे हम वापस पहले आए थे। साथ साथ ये कि ईद उल अज़हा की तैयारी करते वक्त हम ये कोशिश करें कि हम इन तमाम चीज़ों का जो ख़ास ख्याल रखें। इस कंटिन्यूस राइस के साथ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रॉपर मास्क पहने, अपना जितना भी काम कर रहे हैं या कोई भी लेवल पे हम जॉब्स वगैरह में हैं वहाँ पे अपने उसी तरह से डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और कोशिश करें कि जी कोई भी अगर वेरिएंट आ जाए, बेशक जैसे कि अभी रिसेंट आपने पिछले मंथ में ही सुना है ओमिक्रॉन का जो एक वेरिएंट आया था कतर में और वो पाकिस्तानी में भी जो है मुंतकिल हो गया, आहिस्ते आहिस्ते वो सारी चीज़ें जो है वो ऐसा ना हो कि वर्स इन वर्स हो जाए। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने आप को जो है सेफ़ रखें, एक सेफ़ पाकिस्तान में रहें और इन तमाम SOPs का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए मैं दूसरी मरतबा फिर आपके सामने एक नए मौजू के साथ मौजूद होंगी। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।